आप जानते हैं 3 साल हमारा सरकार का हो गया, एक भी प्यून की बहाली नहीं हुई झारखंड में, एक भी प्यून चपरासी की बहाली नहीं हो सकी झारखंड में, जबकि यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और अन्य चीज़ें हैं। तो हम लोग आखिर यहाँ के लोग यूथ कहाँ जाएंगे? इतिहास साक्षी है कि बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर मूल धर्म हो गया, और हम लोग का क्या होगा? अगर हम लोग के साथ खिलवाड़ किया गया तो अगला चुनाव में हम लोग उसका बदला लेंगे। किस हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, क्या संभव है जहाँ पर इतनी विविधता है, इतने प्रकार के धर्म हैं जिसको गिनना मुश्किल है, वहाँ पर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना ये बेईमानी है। हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन और ये तमाम लोगों को दी गई 6 धर्मों को क्या वजह है कि भारत के आदिवासियों को जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आर्यों के आने के पूर्व से यहाँ पर निवासित हैं, उन लोग का धर्म को इस तरह से मिसनोमर रखा जाना, चौराहे पर रखा जाना, भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं रखा जाना और हम लोग को एक चौराहे में खड़ा करके धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, ये हम लोग समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतवर्ष में 700 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं और ईच एंड एवरी जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपने आप में ऑटोनॉमस है और उनकी अपनी विशिष्टता है, विशेष संस्कृति है, उनके व्यवहार है और उनका प्रचलन है, उसमें एकरूपता आना इतना बहुत कठिन है। और आज के दिन में आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर की जाती है ये उसी में संभव है जहाँ पर एकरूपता देखी जा सकती है। आज अभी हिंदू कोड बिल है और शरीयत कानून है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक आदिवासी समाज की बात उठती है वो लोग कस्टमरी प्रैक्टिसेस पे विश्वास करते हैं और वही उन लोग का प्रचलन है, वही उन लोग का जीवन संस्कृति है। और भारत के गणराज्य में जहाँ कही गई है कि यह धर्म निरपेक्ष है, वहाँ पर तमाम तरह की बातें देश में हो रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। जैसे हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, क्या संभव है जहाँ पर इतनी विविधता है, इतने प्रकार के धर्म हैं जिसको गिनना मुश्किल है, वहाँ पर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना ये बेईमानी है। और यह भारत के जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, धार्मिक और सामाजिक ताना बाना है, उसके विरुद्ध होगा, ऐसा हम लोग का मानना है। और भारत के आदिवासी 17 करोड़ आदिवासी एक साथ इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जहाँ तक धर्म कोड की बात है, आप जानते हैं कि धर्म कोड भारतवर्ष में हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन और ये तमाम लोगों को दी गई 6 धर्मों को क्या वजह है कि भारत के आदिवासियों को जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आर्यों के आने के पूर्व से यहाँ पर निवासित हैं, उन लोग का धर्म को इस तरह से मिसनोमर रखा जाना, चौराहे पर रखा जाना, भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं रखा जाना और हम लोग को एक चौराहे में खड़ा करके धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, ये हम लोग समझते हैं। इसलिए हम लोग ने मांग किया है कि जनगणना परिपत्र में, जनगणना परिपत्र में जिस तरह से अन्य धर्मों को अधिसूचित किया गया है, उसी तरह जनजाति धर्म में जो हमारा सबसे प्रमुख आज सरना धर्म है, उसको परिगणित किया जाए, अधिसूचित किया जाए, ताकि हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सारा चीज़ कंसोलिडेट हो और किसी तरह का भटकाव और धर्मांतरण ना हो, ये हम लोग का कहना है। और हम ये बहाना किया जाना कि आज आपको मैं बता देना चाहता, 2011 की जनगणना उठा के देखिए तो आपको अन्य धर्म कॉलम जो आवंटित है उसमें 79 लाख लोगों ने लिखा था, आउट ऑफ 79 लाख में जो सरना धर्म लिखने वालों की संख्या 49.57 लाख है, जो 62% के बराबर है। इतनी बड़ी जनसंख्या आबादी सरना धर्म को इग्नोर करके भारत जो जैन और बौद्ध के बराबर है और इस तरह का हम लोग के साथ ज्यादती हो रही है, इसलिए भारत के आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं
वो लोग अपनी धार्मिक आज़ादी की मांग कर रहे हैं। और हम लोग ये घोषणा किया था दिल्ली में, जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में हमारी बैठक, दो दिन ही बैठक हो रही थी और पूरे देश के लोग जमा हुए थे, उसमें हमने घोषणा की थी कि 12 मार्च को हमारा रांची के मोराबादी मैदान में महारैली होगी और यहाँ से केंद्र सरकार को हम लोग आवाज़ देंगे कि हमारा जो धर्म है, जो दूसरे के आगोश में आपने उसके प्रति छाया के रूप में हमको ट्रीट करते हैं, सरना सनातन की बात करते हैं, ये बेईमानी है, ये हम लोग का कहना है। सरना सनातन, हम तो आर्य संस्कृति के पूर्व की संस्कृति है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को आप लोग उठा कर जा देखेंगे, इतिहास साक्षी है कि बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर मूल धर्म हो गया और हम लोग का क्या होगा। ये सारे चीज़ें के लिए पूरे देश के आदिवासी जाग चुके हैं, अपने संस्कृति के प्रति, परंपरा के प्रति, लोक जीवन के प्रति और उनके जो जीवन पद्धति है वो तमाम चीज के प्रति जाग चुके हैं। यही हम लोग का गरज है, ये हमारा मांग है। इसके साथ साथ आपको पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, 10 राज्य हैं जहाँ पर शेड्यूल एरिया है, वहाँ पर आदिवासी बहुलता है, लेकिन 5वीं अनुसूची या 2री अनुसूची, 6ठी अनुसूची, आज तक 75 साल के बाद भी धरातल पर नहीं हुई है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल फंक्शन नहीं है, डिफंक्ट है हर राज्यों में। तो आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है उसको सुरक्षित रखने के लिए जो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसका अक्षरशः पालन हो और भारत सरकार और रिस्पेक्टिव राज्य सरकारें इसमें गंभीर हो, अन्यथा विद्रोह होगा, झारखंड में ही नहीं पूरे देश में होगा, ऐसे हम लोग का मानना है। झारखंड में कुछ ऐसी विशिष्ट बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल नहीं है, यहाँ पर अन्य मामले बनपट्टा कानून में करब केवल 25% बनपट्टा कानून लागू है। आप बताइए बनपट्टा कानून जो हमारा अधिकार दिया है वो तमाम चीज़ें छरित हो रही है और आप जानते हैं 3 साल हमारा सरकार का हो गया, एक भी प्यून की बहाली नहीं हुई है झारखंड में, एक भी प्यून चपरासी की बहाली नहीं हो सकी झारखंड में, जबकि यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और अन्य चीज़ें हैं। तो हम लोग आखिर यहाँ के लोग यूथ कहाँ जाएंगे, 244,000 पद रिक्त हैं आपके झारखंड के, मैंने विभिन्न पदों के, 3rd और 4th ग्रेड और शिक्षक की अगर बहाली हो तो घर घर में हम लोग को नौकरी रोजगार मिलेगा। इसके लिए सीधे तौर पर झारखंड सरकार दोषी है और इसके लिए खामियाजाना भुगतने के लिए तैयार रहे झारखंड। दूसरा, बैकलॉग वैकेंसी, जब से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है झारखंड में शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के पद बैकलॉग के रूप में बचते गए हैं, आज तक बहाली नहीं किया गया है, आखिर क्या ऐसा मामला है। इसलिए हमने मांग की है कि बैकलॉग वैकेंसी हम लोग की नियुक्ति किया जाए और हम लोग को रोजगार मुहैया करा जाए, ये स्पेशल क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है। और सबसे अहम सवाल है, आप सुन रहे होंगे, जानते भी होंगे, यहाँ पर हजारों हजार नियुक्तियाँ, अवैध नियुक्तियाँ हुई और 10 साल के जो परिधि में आते हैं उनके विषय में कहा जाता है कि इनका हम रेगुलराइज करेंगे, इसको रेगुलराइज करेंगे। अरे भाई, ये भारतीय संविधान में आरक्षण की बात है, आरक्षित वर्ग क्या कितना घाटा होगा, क्या इस सरकार को चाहे ये अधिकार है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है, प्रावधान है, उसको इन्फ्रिंज कर सके। झारखंड में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है, हमारे पद के विरुद्ध दूसरे का नियुक्ति रेगुलराइज किया जाएगा, इसका हम लोग विरोध किया है, ऐसा कदा भी उचित नहीं है। ये तमाम सारी बात है और हमारा जितने भी सामाजिक परिसंपत्तियाँ हैं, सांस्कृतिक परिसंपत्तियाँ हैं, जिसमें सरना है, मसना है, हड़गड़ी है, देशवाली है, तमाम चीज़ें को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि वही एक विलक्षण संस्कृति का एक स्वरूप है और आज उस पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है। इसको झारखंड सरकार कहती है कि हम आदिवासी सरकार हैं तो उसको ये सब सुरक्षित किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ज़मीन है झारखंड में, आज सादा पट्टा एक नया प्रचलन हो गया है, सादा पट्टा के नाम से लोग सामान्य जाति के लोग या बाहरी लोग हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है।
सरकार कानून बनाए और तमाम चीज़ को हमको सुरक्षित रखे आदिवासी समाज को, ऐसा हम लोग का मांग है। अगर नहीं होगा तो जमीन जंगल जमीन और जल के लिए आदिवासी मरा है और आगे भी संघर्ष करेगा और अंतिम अवधान तक लड़ने के लिए तैयार रहे। और 12 तारीख को आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो सूचना मिली है, ये जो पास प्रदेश है, पास प्रदेश अगल बगल के राज्यों से और झारखंड के विभिन्न जिलों से और नेपाल से भूटान से लोग हजारों हजार के संख्या में कूच करेंगे और मोराबादी मैदान को एक नया स्वरूप में हम लोग बदलेंगे और आदिवासी आवाज धर्म के नाम पर अधिकार के नाम पर तमाम चीज़ गूंजेगा। और केंद्र सरकार और तमाम सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं, अगर हम लोग के साथ खिलवाड़ किया गया तो अगला चुनाव में हम लोग उसका बदला लेंगे। किसी को भी हम लोग, कोई भी सरकार हो, हमारे साथ जो ज्यादती किया है, और हमारे गुरुजी ने कहा हमको धार्मिक आज़ादी चाहिए। आज सरना सनातन की बात करते हैं, है क्या मतलब है? हम उससे पुराना धर्म है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काटकू जी ने कहा कि आदिवासियों के सामने जितने भी लोग हैं वो यहाँ के लोग विदेशी हैं। ये सच्चाई सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, उसको लोग महत्ता दे, उसका महत्व को समझें और भारत के आदिवासियों के प्रति प्यार करें और उनके धार्मिक आज़ादी को बल दें और हमको एक स्वतंत्र प्राकृतिक जीवन में जीने का मौका दें। आज़ाद भारत देश में हम आदिवासियों के लिए धार्मिक पहचान, जिसकी आज हम लोग मांग करने जा रहे हैं और एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं सरना धर्म कोड के नाम पर, और वो झारखंड सरकार सरना धर्म कोड पास करके केंद्र को भेज दी है, ये मांग हम जो करने जा रहे हैं 12 मार्च को महारैली के रूप में केंद्र सरकार इसे लागू करे। और केंद्र सरकार यदि इसको लागू नहीं करती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। लगातार हमारे पूर्वजों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि हमें अपने धार्मिक आज़ादी चाहिए और सरना धर्म कोड हम सबों की मांग है। और इसको लेकर नेपाल से, उड़ीसा से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कई राज्यों से लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं। और इस रैली से पूरे विश्व को हम लोग अपने आदिवासियत की जो धार्मिक पहचान है उसे हम लोग बताना चाहते हैं कि आदिवासी किसी भी धर्म से बैर नहीं करता है, लेकिन उनकी अपनी जो धार्मिक पहचान है उसको लेकर हमारे पूर्वज शुरू से ही आंदोलनरत रहे हैं। और इसलिए ये मांग हम सबों की जो निरंतर कई वर्षों से चली आ रही है, इसे हम सब केंद्र सरकार से मांग करते हैं। और कई ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड सरकार में, जैसे कि हम लोगों ने आप सबों को ये एक पंपलेट जारी हम लोगों ने किया है, उसमें लगभग 16 मांगे हैं। और इन 16 मांगों में सभी मांगे जो हमारा जायज़ है, झारखंड सरकार जो अभी वर्तमान में हेमंत की सरकार जो है, और ख़ासकर हम लोग जिसमें तीसरा बिंदु जो है हम लोगों का केंद्र सरकार जो ये कॉमन सिविल कोड देश में जो लागू करना चाहती है, इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। 5वां अनुसूचित क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, इसका चर्चा पालन के लिए शुरू से ही पूरे आदिवासी आंदोलन करते रहे हैं। और आदिवासियों की जो धार्मिक सामाजिक जो जमीन है, इनका संवर्धन और संरक्षण कैसे हो, इसको लेकर भी शुरू से जितने भी संगठन है वो मांग करते रहे हैं और हम लोग भी मांग इस पर करते हैं। और बहुत सारा ज़मीन जो है बाहरी लोगों के द्वारा जो कब्जा किया गया है आदिवासियों का ज़मीन, उसको भी मैंने मुक्त कराया जाए, ये हमारी मांगे हैं। और इस तरह से 17 मांगे जो हम लोगों का है, इस 17 मांगों में जो खासकर और यहाँ जो बेरोज़गार लोग हैं झारखंड में, जो नियोजन नीति सरकार नहीं बनाई है,
स्थानीय नीति भी अभी तक तय नहीं हुआ है और बहुत सारी बैकलॉग की नियुक्ति भी खाली है। इन सारी चीज़ों को लेके हम लोग झारखंड सरकार से भी मांग करेंगे इस रैली के माध्यम से और केंद्र सरकार को भी। ये नहीं होने से बड़ा आंदोलन होगा, हम लोग चक्का जाम जैसे, बंदी जैसे, ये आंदोलन भी हम लोग आगे की रूपरेखा जो है हम लोग तय करेंगे। लेकिन इस बड़ी रैली से हम लोग चेताना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि वो जल्द से जल्द सरना धर्म कोड हम सबों को दे, हम आदिवासियों को, क्योंकि धर्म कोड नहीं मिलने से धर्मांतरण हो रहा है। आज पूरे देश में सभी लोग चाहते हैं कि आदिवासियों को एक धार्मिक पहचान मिले, लेकिन ये केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये एक बड़ी सवाल है। और इसलिए धर्मांतरण रुके और ये हम सबों का माने बिल्कुल जायज़ मांग है और इसको लेके हम लोग पूरी तरह से माने कम से कम 5 लाख का भीड़ हम लोग यहाँ पर जुटा रहे हैं 12 मार्च को। और ये रैली में सभी लोग एकजुटता, सभी जितने भी उरांव मुंडा हो, संथाल, खड़िया और विभिन्न जनजाति के लोग इसमें शामिल होंगे। भारत देश में सभी लोग, यह धर्मनिरपेक्ष एक देश है और यहाँ पर जो हम आदिवासी जो पांचवी अनुसूची है और भारत देश का संविधान में सभी धर्मों को माने एक साथ रहने का जो अधिकार दिया गया है और कॉमन सिविल कोड से हम लोग ये समझते हैं कि हम पांचवी अनुसूची में रहने वाले लोगों को काफ़ी नुकसान होगा और इसीलिए इसका हम लोग विरोध करते हैं। नुकसान यही होगा कि भाई सिविल कोड में हो सकता है इसको लोग खत्म कर देंगे, हम लोगों की यही चिंता है। TheFollowUp.in Like, Share and Subscribe www.thefollowup.in